अंपायर के साथ दोनों अंपायर एक दूसरे से सलाम सत करते हुए फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए बिजू अंपायर का कुछ मार्टिन कप्तान मार्टिन से कुछ सलाह मसलत हो गए अंपायर के साथ फिर एक बार बीजू अपने बॉलिंग रनअप पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अमित को थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मिड विकेट की तरफ खेला मिड विकेट पर फील्डर ने क्लियर किया एक रन चुरा लिया इस एक रन के साथ अमित का निजी स्कोर 5 जबकि मरीना का स्कोर 5 रन बगैर कोई विकेट खोए फिर एक बार बीजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यशवंत को ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जाते हुए जैन और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से एक रन के साथ मरीना का स्कोर हुआ 6 मगर कोई विकेट खोए बीजू फील्ड की सजावट ऑफ साइड पर 4 फील्डर और ऑन साइड पर 5 यह फील्ड की सजा इस बीच बीजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यशवंत को फिर अच्छी गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई पूरी तरह चकमा दे दिया विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं फिर एक बार बीजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यशवंत को एक बार शॉर्ट पिच गेंद ऊंचा उछाल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ थोड़ा सा और वहां पर लो आप मिसफील्ड कर दिया और गेंद उनके हाथों से छूटकर 4 रनों के लिए बाउंड्री रन के बाहर इस 4 रनों के साथ मरीना का स्कोर हुआ 10 रन जबकि 4 गेंदों में 10 रन हो गए और यशवंत ने अपना खाता खोला 4 रनों के साथ फिर एक बार बीजू दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी करके यशवंत को और उछाल दिया काफी हवा में है गेंद फॉलो थ्रू में कैच लेना चाहते थे लेकिन एक आसान सा कैच छूट गया जब से फॉलो थ्रू में अपना बीजू ने कैच छोड़ दिया इसी के साथ एक जीवनदान मिला जबकि यशवंत को और कुल स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट खोए यशवंत खेल रहे 5 रन पर फिर एक बार बीजू इस ओवर में आखिरी बार ऑफ स्टंप कर बाहर की तरफ जाती हुई गेंद अंपायर के इशारे के साथ और वाइड बॉल का इशारा इस एक रन के साथ कुल स्कोर 12 रन अगर कोई विकेट खोए और आखिरी गेंद है इस ओवर की पहली ओवर की फिर एक बार बीजू अपने शॉर्ट रनअप पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अमित को ऑफ स्टंप के काफी बार उसे स्क्वायर कट कर दिया डीप थर्ड मैन की तरफ थर्ड मैन से जब फील्ड करे एक रन चुरा लिया इस एक रनों के साथ 13 रन एक ओवर की समाप्ति पर जबकि अमित खेल रहे 6 रनों पर और यशवंत खेल रहे 5 रनों पर अतिरिक्त रनों की संख्या 2 और नए गेंदबाज राजकुमार गेंदबाजी के लिए आ रहे राजकुमार राजकुमार गेंदबाजी करेंगे अमित के लिए दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और फुल टॉस गेंद पहले गेंद पर उसे उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ 19 रन मगर कोई विकेट खोए फिर एक बार राजकुमार दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेगा अमित को फिर एक बार दूसरे फुल टॉस और इसी बार मिड विकेट के ऊपर से फिर एक बार 6 रनों के लिए 25 रन 2 गेंदों पे 2 लगातार छक्के लगाते हुए अमित काफी खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन लगातार दोनों गेंदों फुल टॉस बैट पर और 2 गेंदों के साथ 25 रन जबकि अमित खेल रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर 17 रन पर फिर एक बार राजकुमार दाहिने हाथ से ओवर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे फिर एक बार उसे ओवर पिच गेंद और
मैं लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, गेंद थोड़ी हवा में और मेरा लॉन्ग ऑफ पर मार्टिन, कप्तान मार्टिन ने एक आसान सा कैच, और इसी तरह अमित के इनिंग का अंत हो गया, जबकि पहला विकेट खो दिया है मरीना के टीम ने 25 रन के कुल स्कोर पर। अमित कुल मिलाकर 17 रन बनाकर अपने पवेलियन में लौट रहे। बैट्समैन नेम संदीप्ता, नए बल्लेबाज संदीप्ता। तीसरी गेंद पर दो लगातार दो गेंदों पर छक्के मारने के बाद तीसरी गेंद पर विकेट ले लिया, और चौथी गेंद संदीप का आपको, फिर ओवर पिच गेंद थोड़ी सी एज लग कर गई बाहर की थर्ड मैन की तरफ, मेरा अंपायर के इशारे के तरफ मैं देखूंगा, और ये चार रन थर्ड मैन पर वहां पर मिस फील्ड हो गया, और इस चार रनों के साथ संदीप्ता ने अपना खाता खोला, जबकि कुल स्कोर है 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। राजकुमार अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप ताको। एक बार अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई, उसे रक्षात्मक तरीके से खेला, और बॉलर ने खुद अपने गेंद पर बॉलिंग पर फील्ड करके गेंद को कलेक्ट कर दिया, कोई रन नहीं। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, फिर एक बार राजकुमार अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप ताको, और फिर एक बार उसे ओवर पिच गेंद मिड विकेट की तरफ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला एक रन के लिए। इस एक रन के साथ कुल स्कोर 30 रन दो विकेट के नुकसान पर, एक विकेट के नुकसान पर माफ कीजिए, और संदीप काद का नीचे स्कोर 6। दो ओवर के नुकसान पर दो ओवर के समाप्ति पर 30 रन एक विकेट, और गेंदबाजी के लिए आ रहे ओम प्रकाश, ओम नागर गेंदबाजी के लिए आए संदीप का अपना यशवंत को दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करे, और शॉर्ट गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, और मिस फील्ड हो गया मार्टिन की तरफ से, कप्तान मार्टिन की तरफ से, और चार रन चार रन 34 रन चौतीस रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ओम नागर दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार शॉर्ट गेंद और उसे उछाल दिया कवर की तरफ, कवर का फील्डर तो काफी पीछे था, उस कैच को लपेट नहीं पाए, गेंद को फील्ड किया एक रन। फिर एक बार 35 रन एक विकेट के नुकसान पर, ओम नागर दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद एक बार उसे मिड विकेट के ऊपर से मार दिया है चार रनों के लिए संदीप्ता ने। इस चार रनों के साथ स्कूल स्कोर हुआ 39 रन 39 परफॉर्मिंग विकेट आफ्टर टू ओवर्स। फिर एक बार ओम नागर अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अमित को, दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेगा अमित को, ठीक है, और उसे उछाल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, देखना है मैं कैच लपेटा, और एक आसान सा कैच दे दिया स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में, और फील्डर्स नेम प्लीज बीजू, बीजू ने एक आसान सा कैच स्क्वायर लेग पर कर लिया, और इसी के साथ दूसरा विकेट खो दिया है। टूटू को बैट्समैन नेम प्लीज राम बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज राम, ओम नगर दाहिने हाथ से ओवर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, और उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रनों के लिए, और ये छह रनों के साथ 45 रन दो विकेट के नुकसान पर, और आखिरी गेंद इस ओवर की
होमनागर गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार उछाल दिया है स्क्वायर लेग फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर राम का निजी स्कोर 12। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के मारे, आक्रामक बल्लेबाजी का मुहारा सामना का प्रदर्शन करते हुए राम। संदीपता ने मारा था, माफ कीजिए, संदीपता ने 2 छक्के मारे और स्कोर हुआ 51 रन 51 थ्री ओवर आफ्टर थ्री ओवर्स। आफ्टर थ्री ओवर 51 रन 2 विकेट लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और गेंदबाजी के लिए आ रहे वह फिर एक बार बिजू, अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे बिजू और इनिंग का 4th ओवर। बिजू गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे इस बार और सामने है राम। बिजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राम को और ये फुल टॉस गेंद, गेंद का इन बाहर बाहरी किनारा लेते हुए गेंद थर्ड मैन की तरफ गई 1 रनों के लिए। इस 1 रनों के साथ राम का निजी स्कोर 5 जबकि कुल स्कोर बावन रन 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन। फिर एक बार बिजू और ये शॉर्ट पिच गेंद उसे उछाल दिया लेकिन कैच को लपेट नहीं पाए विकेट कीपर, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रनों के साथ 53 स्कोर 53। थोड़ी सी धीमी गेंद थी और उसे उछालना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से लेकिन पूरी तरह चकमा खाए, गेंद विकेट कीपर विकेट के पीछे गिरी, वो 1 रन। फिर एक बार बिजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राम को और फुल टॉस गेंद उछाल दिया है, हवा में है गेंद, गेंद को लपेट बॉलर थ्रो में कैच कर ले लिया है और इसी तरह 3रा विकेट खो दिया है मरीना ने, अपना 3रा विकेट 53 रनों के स्कोर पर। बैट्समैन नेम संतोष, बल्लेबाजी के लिए आए संतोष। बिजू गेंदबाजी करेगा संदीपता को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेगा संदीपता और उसे उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा शॉट, आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए संदीपता। फिर एक बार बिजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेगा संदीपता को, फिर एक बार उछाला था लेकिन वहां पर कवर पर कोई फील्डर न होने के कारण 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथी ओवर की आखिरी गेंद डालने आ रहे हैं बिजू। बिजू ऑफ साइड पर पॉइंट, थर्ड मैन कवर और लॉन्ग ऑफ, जबकि यह ऑफ साइड की फील्डिंग, चार फील्डर ऑफ साइड पे और ऑन साइड पे 5 फील्डर, यह फील्ड की सजावट। इस बीच बिजू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट हो गए, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर मरीना। चार ओवर की समाप्ति पर ये आखिरी ओवर डालने आ रहे हैं। साठ रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट और संजय गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। संजय दो है, ये कौन से संजय है?
संजय आंद्रे वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। संजय आंद्रे आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, जबकि चार ओवर की समाप्ति पर मरीना का स्कोर है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए, 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 61 रन। फिर एक बार संजय आंद्रे गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रनों के साथ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार संजय आंद्रे गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा, लगातार दोनों गेंदे वाइड फेंके हैं। फिर एक बार संदीप संजय आंद्रे दाहिने हाथ से और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर एक बार उछाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से संतोष ने 6 रन के लिए, इस 6 रन के साथ कुल स्कोर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से और द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय आंद्रे, ये हाथ से छुटी गेंद सीधा विकेट कीपर के पीछे, और नो बॉल का इशारा हम, और फ्री हिट मिला है, देखना है फ्री हिट का फायदा उठाते कि नहीं। संतोष ऑफ स्टंप के काफी छोटी सी गेंद, ऑफ शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे कवर की तरफ खेले, थोड़े से गिर गए थे विकेट पर, और फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, 1 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ है 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार संजय आंद्रे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करे, फिर ऑफ स्टंप के शॉर्ट पिच गेंद, उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, मार्टिन ने गेंद को फील्ड किया, उनके गेंद से हाथ से छुटी थी और एक दूसरा रन लेना चाहते थे, और रनआउट होकर वापस लौट रहे हैं संदीप था। दूसरी रनों जहां पर दूसरा रनों की कोई गुंजाइश नहीं थी, और नॉन स्ट्राइकर रन से संदीपा भागने गए, तो कुल मार्टिन ने अच्छा थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर रन पर, और इसी तरह संदीपता का आउट होकर पवेलियन में लौट रहे 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन नेम फिर एक बार संजय, और उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ के बैट्समैन नेम शशि, शशि ने खाता खोला और वन टू गो, लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद। और उसे कवर की तरफ खेला धीमे से, 1 रन जुड़ा लिया, दूसरा रन लेना चाहते, और दूसरा भी रन जुड़ा लिया, देखना है मैं, और रन आउट होकर पवेलियन में लौट रहे। इसी तरह दो जन लगातार दो प्लेयर रन आउट हो गए, 74 रन 74 कुल स्कोर 74 रन बनाए जबकि मरीना ने, और जबकि मैडी 11 को 75 रनों की जरूरत है 5 ओवर में। मैडी 75 टू विन 74 जबकि मरीना ने 74 रन बनाए 5 ओवर में, तो मैडी इलेवन को 75 रनों की जरूरत है जीत के लिए, और जबकि मरीना 11 टीम मैदान पर उतरते हुए फील्ड के लिए, और
फील्ड की सजावट की जा रही, जबकि मरीना ने फील्ड की सजावट किया और मैडी के प्रारंभिक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज भेजिए प्लीज ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन भेजे जबकि प्रारंभिक बल्लेबाज मार्टिन और नीलो बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, जबकि मरीना ने फील्ड की सजावट किस तरह की है, विकेट विकेट कीपर विकेट के पीछे, फिर एक थर्ड मैन पॉइंट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, यह ऑफ साइड की फील्डिंग, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग और फाइन लेग, ये ऑन साइड पर फील्डिंग, ऑफ साइड पर चार फील्डर और ऑन साइड पर पाँच, ये फील्ड की सजावट। और इस बीच मार्टिन जबकि स्ट्राइक ले रहे हैं और गेंदबाज है और गेंदबाजी के लिए आ रहा है प्रहलाद, जबकि मार्टिन स्ट्राइक पर है, पांच ओवर में 75 रनों की जरूरत है। प्रहलाद गेंदबाजी करेंगे, भाई अच्छे ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ओवर पिच गेंद से उछाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4-6 रन के लिए, काफी सुंदर शॉट, छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया मार्टिन ने। फिर इस बार प्रहलाद बायत से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, मार्टिन को फिर एक बार ओवर पिच गया, उसे उछार दिया अब मिड विकेट के ऊपर से और 6 रन के लिए, 6 रन के साथ कुल स्कोर 12। लगातार दो गेंदों पे दो छक्के मारते हुए काफी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन मार्टिन की तरफ से। और कुछ सलामत करते हुए कप्तान से प्रहलाद बायत से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मार्टिन को। और ये ओवर पिच गेंद एक कॉटन बॉल था, मौका था, मौका ताड़ दिया, जबकि एक कॉटन बॉल छोड़ दिया है कैच प्रहलाद ने अपने खुद के बॉलिंग के ऊपर, और मार्टिन को एक जीवनदान मिला। फिर एक बार प्रहलाद बायत से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मार्टिन को, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी धीमी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरे और एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 13 रन बिना कोई विकेट खोए। मैडी प्रहलाद बायत से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे आप नीलू को और लेग स्टंप पर थी, उसे स्वीप कर दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए, इस एक रन के साथ स्कोर हुआ है 14। और ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, प्रहलाद गेंदबाजी करेंगे आखिरी बार बायत से ओवर द विकेट, बायत से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मार्टिन, फिर उसे स्क्वायर कवर ड्राइव कर दिया कवर की तरफ एक रन के लिए, इस एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 15 रन, एक विकेट के नो लॉस बिना कोई विकेट खोए एक ओवर की समाप्ति पर, एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन। संदीप्ता गेंदबाजी के लिए आया है,
जबकि उन्होंने बल्लेबाजी अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। आप देख रहे हैं गेंदबाजी में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। एक ओवर की समाप्ति पर टू आइस स्टांस लेटे हुए फिर अब मेरे मार्टिन संदीपता गेंदबाजी करेंगे ऑफ स्टंप के काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए न्यूरियल वर्सेस विक्टोरिया, टॉस के लिए आइए न्यूरियल वर्सेस विक्टोरिया कप्तान फिर एक बार संदीपता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओवर पिच गेंद उसे उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से और नो बॉल का इशारा और छह रन सिक्स अच्छा शॉट मार्टिन की तरफ से। सुंदर शॉट फिर एक बार और उसे संदीप फिर एक बार बाप उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से चार रनों के लिए। सत्ताईस रन कुल मिलाकर और इस ओवर में एक वाइड एक नो बॉल डाया फेंकी है अरे पहली गेंद। फिर एक बार संदीपता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी फुल टॉस ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अरे बल्ले को नहीं लगती और बाय का इशारा एक रन अट्ठाईस रन बिना कोई विकेट खोए। फिर एक बार संदीपता इस ओवर में तीसरी बार संदीपता गेंदबाजी करेंगे नीलू को ऑफ स्टंप के काफी बाहर फिर एक बार वाइड का इशारा उनतीस रन काफी गेंद बाहर डाले रहे वाइड बॉल गेंद कर रहे इस ओवर में लगातार शायद तीसरा अतिरिक्त रन संख्या है तीन रन अतिरिक्त रनों से हुआ है उनतीस रन। फिर एक बार संदीपता धन्यवाद से ओवर द विकेट और उसे उछाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रन के लिए छह रन के साथ ये स्कोर हुआ है पैंतीस रन बिना कोई विकेट खोए पैंतीस रन। अब साइड चेंज किया है संदीपता ने अब राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आ रहे नीलू के लिए। फिर बार संदीपता फिर एक बार संदीपता ने ओवर पिच गेंद डाली और ऊपर से मार दिया है छह रन के लिए इस छह रन के साथ स्कोर हुआ इकतालीस रन बिना कोई विकेट खोए। सुंदर शॉट नीलू का काफी महंगे साबित हो रहे संदीपता इस अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई इन सिंगर कोई रन नहीं। और इस ओवर में आखिरी बार आते हुए संदीपता संदीपता दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे नीलू को और फिर एक बार ओवर पिच गेंद मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए फिर एक बार सैतालीस रन काफी महंगे साबित हो गए संदीपता 47 रन हो गया सैतालीस रन बिना कोई विकेट खोए। लगभग इस ओवर में 32 रन निकले दो ओवर की समाप्ति पर सैतालीस रन जबकि बॉलर्स नेम प्लीज यशवंत यशवंत गेंदबाजी के लिए आया है दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मार्टिन को अच्छी गेंद थोड़ी सी धीमी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी और धीमी होती हुई उसे रक्षात्मक तरीके से खेला मार्टिन ने फॉलो थ्रू में यशवंत ने गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं। ये तीसरी ओवर चल रही है जबकि दो ओवर के समाप्ति पर सैंतालीस रन फिर एक बार यशवंत
दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी करे गई मार्टिन को, अरे फुल टॉस गेंद से उछाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, नो बॉल का इशारा और अच्छा रन और फ्री हिट काफी सुंदर शॉट मार्टिन की तरफ से, आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 54 रन बिना कोई विकेट खोए और फ्री हिट, टू आई स्टांस जबकि खड़े हैं मार्टिन। फिर एक बार यशवंत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मार्टिन को, फिर एक बार शॉट गेंद और फिर उसे उछाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए, 60 रन बिना कोई विकेट खोए जबकि कुल 75 रनों की जरूरत है जीत के लिए, अभी कुल 15 रनों की जरूरत है, अभी 60 रन को हो गए बगैर कोई विकेट खोए। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर धीमी गेंद, फिर उसे रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। यशवंत फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, यशवंत गेंदबाजी करेंगे मार्टिन को, यशवंत की अगली गेंद से और फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद से मिड विकेट के ऊपर से उठाल दिया है, अंपायर के इशारे की तरफ मैं देखूंगा और 6 रन, सुंदर शॉट, अपने आक्रामक बल्लेबाजी का मुहारा प्रदर्शन करते हुए मार्टिन, 60 रन, 66 रन बिना कोई विकेट खोए, फिर एक बार 1 रन, 67 रन हो गए और आखिरी गेंद है इस ओवर की। नहीं ना 43 पे ना 67 लास्ट बॉल, आखिरी गेंद है इस ओवर की, थोड़ी सी धीमी गेंद और उसे उछाल दिया था और फिर एक बार गिर गए विकेट नीलू, जैसे शॉट खेला हवा में थी, कोई कोशिश नहीं की कैच ले लपेटने का, विकेट कीपर काफी विकेट के पीछे थे और 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है, काफी अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन नीलू और मार्टिन की तरफ से, मार्टिन खेल रहे हैं निजी स्कोर 43 रनों पर 43। बॉलर्स नेम राम, राम गेंदबाजी के लिए आए चौथी ओवर लेकर, 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है, राम गेंदबाजी करेंगे मार्टिन को जबकि 7 रनों की जरूरत है 50 रनों के लिए, 1 रन निकाल लिया और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 68 रन और मार्टिन खेल रहे निजी स्कोर 44 पर। फिर एक बार राम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे नीलू को और ऑफ स्टंप कर गिरने के बाद थोड़ी सी और बाहर की तरफ जाते हुए और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 69 रन जबकि 6 रनों की जरूरत है। फिर एक बार राम और उछाल दिया 6 रन और 75 रन जबकि जीत हो गई है और अपने दुर्भाग्य स्थिति से अपने मार्टिन अपने 6 रन से दूर रह गए 50 रनों के लिए क्योंकि उनका टारगेट पूरा हो गया है जबकि जीत हो गई है उनकी टीम की 75 रन। मार्टिन मैन ऑफ द मैच, इस मैच का मैन ऑफ द मैच मार्टिन, वेल प्लेड मार्टिन। कितना बॉल में मारा, 15 गेंदों में 44 रन बनाए मार्टिन ने, मैन ऑफ द मैच। बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट मैच विक्टोरिया